दोस्तों, कई बार ये कहा जाता है कि मल्टीटास्किंग होना एक अच्छी बात है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मल्टीटास्किंग होना आपकी मेंटल हेल्थ पर भी बुरा असर डाल सकता है? अगर आपको यकीन नहीं आता तो कुछ ऐसे पॉइंट्स आज हम आपको बताने जा रहे हैं जिनसे आप समझेंगे कि किस तरह आप अपनी मेंटल हेल्थ को खराब कर रहे हैं अगर आप मल्टीटास्किंग है। क्योंकि होता क्या है, शुरुआत में आप कुछ चीजों को लेकर मल्टीटास्किंग बनने की कोशिश करते हैं और फिर धीरे धीरे करके आपकी आदत में शुमार हो जाता है, और जब आप एक साथ कई सारी चीजों को करने की कोशिश करते हैं तो फिर इसका जो बुरा प्रभाव है वो आपकी मेंटल हेल्थ पर पड़ता है। अब देखिए, इसकी वजह से आपको थकान महसूस हो सकती है, तनाव की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आप हर वक्त रह सकते हैं, इसके साथ ही नींद ना आने की परेशानी आपके साथ हो सकती है, किसी भी चीज पर फोकस करने में आपको दिक्कत हो सकती है, कॉन्सेंट्रेट करके आप कोई भी चीज नहीं कर पाएंगे, इसके साथ ही मानसिक तौर पर थकान हो सकती है, बहुत सारे इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं जो कि सीधे आपके दिमाग पर असर करते हैं। अब आपको करना क्या है, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो ये आप अपने फ्यूचर को खराब कर रहे हैं, अपनी मेंटल हेल्थ को खराब कर रहे हैं। आपको कुछ चीजों को ध्यान में रखना है, अगर आप इन चीजों पर फोकस करते हैं तो शायद आप अपनी मेंटल हेल्थ को बेहतर बना सकते हैं, और अगर आप मल्टीटास्किंग हैं तो आप बेहतर कर सकते हैं। आप मल्टीटास्किंग अगर हैं तो फिर आप कुछ चीजों की लिस्ट बना सकते हैं। आप सबसे पहले तो एड ऑन करिए उन चीजों को जिन जिन चीजों पर आपको काम करना है, एक साथ सारी चीजों के पीछे अगर आप भागेंगे तो ये आपकी आदत बन जाएगी और इससे आपकी मेंटल हेल्थ खराब होगी। इसलिए आप पहले चीजों की लिस्ट बनाइए, अपने कामों की लिस्ट बनाइए, और उसके बाद सोचिए कि उसमें प्रायोरिटी आपकी क्या है, यानी कि पहले आपको कौन सा काम करना है, उसके बाद दूसरा आपको कौन सा काम करना है, और फिर कैसे कैसे आपको उस लिस्ट पर काम करना है। तो सबसे पहले तो आपको फोकस करना पड़ेगा अपने कामों को लेकर, उनकी प्रायोरिटी को सेट करना पड़ेगा, ना कि मल्टीटास्किंग होकर सारे काम आपको एक साथ करने होंगे। इसके साथ ही देखिए, एक्सपर्ट जो हैं वो ये बताते हैं कि रोजाना मेडिटेशन बहुत जरूरी है, योगा बहुत जरूरी है। अगर आप जिम में जाकर एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं तो फिर आप घर पर योगा भी कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, ये सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं अगर आप अपनी मेंटल हेल्थ को बेहतर रखना चाहते हैं। अगर आप मल्टीटास्किंग भी हैं, मेंटल हेल्थ को भी बेहतर रखना चाहते हैं, तो ये सारी चीजें आपको अपनी लाइफस्टाइल में एड ऑन जरूर करनी चाहिए। अगर आप नहीं करते हैं तो फिर आप परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, आपको आपकी मेंटल हेल्थ इससे खराब हो सकती है। इसके साथ ही आपको सबसे पहले तो अपने मन को कंट्रोल करना पड़ेगा अगर इस आदत से आपको छुटकारा पाना है, यानी कि आप मल्टीटास्किंग हैं और बहुत सारी चीजों को एक साथ करने की आदत है और इसका बुरा प्रभाव आपकी मेंटल हेल्थ पर पड़ रहा है, तो सबसे पहले आपको सोचना होगा कि कैसे आप फोकस रहें किसी भी चीज को लेकर, किसी भी काम को लेकर एकाग्रता से आप काम कर सके, इन चीजों पर आपको फोकस करना होगा। कंट्रोल, आपको कंट्रोलिंग जो पावर आपकी है वो आपकी बेहतर होनी चाहिए। मल्टीटास्किंग होने अगर आप हैं तो इससे बचने के लिए, इस आदत से बचने के लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर आपके पास टाइम मैनेजमेंट की कमी है तो आपको परेशानी हो सकती है, क्योंकि आप कम समय में बहुत ज्यादा चीजों को करना चाहेंगे और इससे आपकी मेंटल हेल्थ पर असर पड़ेगा, यानी कि तनाव की स्थिति आपके साथ हो सकती है। तो जो टिप्स हमने आपको बताए हैं, एक्सपर्ट के द्वारा बताए गए हैं, हमने जो स्टडी की उसमें एक्सपर्ट यही सलाह देते हैं, आप इन टिप्स को फॉलो करिए, मेंटल हेल्थ में सुधार करिए, और साथ ही मल्टीटास्किंग अगर आप हैं तो उसे थोड़ा सा बचने की कोशिश करिए। अगर आप फिर भी बहुत सारी चीजों को एक साथ, बहुत सारे कामों को एक साथ करना चाहते हैं तो फिर योगा, मेडिटेशन या फिर जो चीजें हमने आपको बताई हैं उन पर जरूर फोकस करिएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें।